आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 6 के दूसरे मैच के बारे में, जो कि पुणे रिपल्टन और यू मुंबई के बीच में खेला जाएगा रात 9 बजे 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को प्रो कबड्डी सीजन 6 भी शुरू होने वाला है, उसी रात को दूसरा मैच खेला जाएगा। ये दोनों टीम जोन ए की है, पुणे रिपल्टन और यू मुंबई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों टीमों के बारे में और इस मैच के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों के राइवलरीज के बारे में कि कौन किस पे भारी था। वहीं हम बात करेंगे इन दोनों के टीम बैटल के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्लेयर बैटल के बारे में, और हम बात करेंगे फिर कौन सी टीम में कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सी वीक पॉइंट है। उसके बाद हम एक टीम को चुनेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। हाँ दोस्तों, हम शुरू करते हैं पुणे रिपल्टन के साथ कि पुणे रिपल्टन में क्या चीज़ है। इसके कोर्नर बहुत ही स्ट्रोंग है। एक तरफ है संदीप नरवाल, वहीं दूसरी तरफ है गिरीश भारती इल्नाइक। संदीप नरवाल राइट कॉर्नर खेलेंगे, वहीं कप्तान खुद लेफ्ट कॉर्नर में आपको नजर आएंगे गिरीश भारती इल्नाइक। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही खतरनाक है और पिछला सीजन भी इसी टीम में खेली थी। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है दोनों, और इस टीम को संभालने का जिम्मेदारी इन दोनों पर ही रहेगी। इनके कॉर्नर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनका ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहीं हम बात करें कवर जोड़ियों के बारे में, रिंकू नरवाल, मोनू और रवि कुमार, इनके पास कवर जोड़ी के ऑप्शन है। ये तीनों बेहतरीन प्लेयर है। उन इन तीनों प्लेयर को पुणे पल्टन ने रिटेन किया था सीजन 6 के लिए। ये तीनों ही आपको, इन तीनों में से दो आपको नजर आएंगे कवर जोड़ी के रूप में सेकेंड में। और हम बात करें, ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी नज़र आ सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर है। वहीं हम बात करें रेडिंग जोड़ी के बारे में, आपको मेन रेडर के रूप में दिखाई देंगे नितिन तोमर, वहीं डू और डाई स्पेशलिस्ट राजेश मंडल आपको सेकेंड रेडर दिखाई देंगे। वहीं हम तीसरे रेडर की बात करें तो रहेंगे दीपक कुमार धलिया। हाँ, दीपक धलिया इस टीम के थर्ड रेडर बन सकते हैं। वहीं मेन रेडर की भूमिका निभानी होगी नितिन तोमर को, वहीं डू और डाई रेड में साथ देना होगा राजेश मंडल को। इस टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, एक टीम की दमदार जोड़ी है रेडिंग में। वहीं इनका फोर्थ रेडर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इनके अलावा इनके पास अच्छा कोई फोर्थ रेडर नहीं है। हाँ दोस्तों, इस टीम की ये रही स्पेशलिस्ट की कवर जोड़ी भी थोड़ी ठीक ही है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी नज़र आ सकती है। हम बात करें यू मुंबई की, यू मुंबई में भी कॉर्नर जोड़ी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ है वाइस कप्तान धर्मराज चिल्लाथन, जो कि राइट कवर खेलेंगे, वहीं लेफ्ट कवर पर कप्तान खुद फजल अत्राचली नज़र आएंगे। दोनों के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी का। वहीं धर्मराज चिल्लाथन सीजन 1 से खेल रहे हैं, वहीं यू मुंबई में सीजन 2 और सीजन 3 खेले थे फजल अत्राचली। वहीं कमर जोड़ी के रूप में इनके पास सुरेंद्र सिंह और रोहित राणा है। पुणे पल्टन के मुकाबले ये दोनों बहुत ही बेहतरीन कवर है। सुरेंद्र सिंह राइट कवर खेलेंगे, वहीं रोहित राणा लेफ्ट कवर खेलेंगे। डिफेंस में तो यू मुंबई पुणे पल्टन से थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि इनकी कवर जोड़ी बेहतरीन है। सुरेंद्र सिंह ने पिछले साल डेब्यू किया था यू मुंबई के लिए। वहीं रेडिंग की बात करें, रेडिंग में इनके पास विनोद कुमार है और रोहित बलियान है। इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर है। इस टीम के लिए इनके पास थोड़ी रेडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनके पास बड़ा पिछले सीजन जैसे अनूप कुमार नहीं है। वहीं एक युवा टैलेंट है जो कि तेलुगु टाइटन्स के कप्तान राहुल चौधरी के साथ नेशनल टीम में खेलते हैं। वहीं अबुल फजील, जो कि एक ईरानियन प्लेयर है, वो खेल सकते हैं फजल अत्राचली के साथ। इनके पास थोड़ी रेडिंग में कमजोरी देख रही है पुणे पल्टन के मुकाबले, और डिफेंस पुणे पल्टन से इनका स्ट्रॉन्ग है। वहीं इनकी एक वीक पॉइंट है कि इनके पास एक्सपीरियंस रेडर नहीं है। वहीं पुणे पल्टन के पास एक्सपीरियंस कवर जोड़ी नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये मुसीबत खड़ी कर सकती है।
हम बात करें इन दोनों टीमों में से कि किसका पलड़ा किस पे भारी रहेगा। ये दोनों टीमें प्रो कबड्डी 1 से तो 5 तक खेल चुकी है। इन दोनों के बीच में 11 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से 7 यू मुंबई ने जीते हैं, वहीं 4 में ही पुनेरी पलटन को जीत मिल पाई है। हाँ दोस्तों, हमको लगता है पुनेरी पलटन एक स्ट्रॉन्ग टीम है और यही इस मैच को जीतेगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम ऐसे ही हर मैचेस के वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।